झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही चल रही है। इस दौरान विधानसभा से कुछ दूरी पर अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे विभिन्न संगठनों ने हंगामा शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी पुलिस का घेरा तोड़कर विधानसभा की ओर घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए वहां पर तैनात सुरक्षा बल के जवानों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठियां भांजी। प्रदर्शन कर रहे लोगों की उग्रता को रोकने के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन भी छोड़े। लाठीचार्ज के दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए। दरअसल पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के सदस्य विधानसभा का घेराव करने के लिए पुलिस का घेरा तोड़कर आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान सुरक्षा बल के जवानों ने दूसरे बैरिकेडिंग के पास उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे दूसरी ओर लगे बैरिकेडिंग को भी तोड़कर आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग किया। इस बीच सुरक्षा बल के जवानों और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की और नोक झोंक भी हुई। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। हम लोग धरना पे हैं, हमेशा आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, हम लोग कितना आश्वासन सुनेंगे। तो आज हम लोग सोचे कि आज निर्णय करके ही जाएंगे। सरकार को पैसा लग रही है हाँ या ना बोलने में, बस हम लोग से वार्ता कर लेती, हाँ आप लोग का मांग पूरा कर सकते हैं या हम नहीं कर सकते हैं। हम लोग सरकार तक हम लोग का आवाज सिर्फ पुलिस आश्वासन दे रही लाठीचार्ज कर पाई तो क्या हम लोग से वार्ता नहीं करा सकती है? ये किसके आदेश पर लाठीचार्ज की? एक महिला के ऊपर एक जेंट्स पुलिस, ये कहाँ का न्याय है? अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।